हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल यहाँ पे हम कवर कर रहे थे। हमारा 11वां या 12वां पाठ है, तो कंप्लीट यहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप SSC तैयारी, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट हो, स्टेट में आपका पटवारी, पुलिस कॉन्स्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम ले ले, आपको इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का जो भूगोल है, आपको सभी में आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते आगे। तो पिछले भी जितने भी क्लासेस वगैरह हुए हैं उसके जाके एक बार देख लीजिएगा। सारे लगभग 10 या 11 पार्ट अपलोड हो चुकी है। लगभग सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन का तैयार किया गया है। लूसेंट का जो क्वेश्चन आपका होता है, NCERT बेस होता है, जो कि आपके 90% जो क्वेश्चन यहाँ से आपको उठ के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, तो सभी प्रतियोगिता जो परीक्षा के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। पहला देखते हैं, तो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में किया था, आई थिंक नहीं किए होंगे क्लास को, तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 151 से, 151 क्वेश्चन से। तो विश्व के सबसे गहरी खाई, जो मारियाना जो आपका खाई कहाँ पे स्थित है, तो विश्व की सबसे गहरी जो खाई वाली जिसको जाना जाता है, मारियाना ट्रेंच बोला जाता है, ये आपका खाई कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अब या आर्कटिक महासागर में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है SSC वगैरह में, इसका प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रशांत जो महासागर है, ये आपके विश्व के सबसे आपका जो मारियाना जो ट्रेंच है, जो खाई आपके किस में स्थित है, तो आपके प्रशांत महासागर में आपका स्थित है। ये आपका जो प्रशांत महासागर, ये आपका है कहाँ पे फैला हुआ है, कौन कौन से देश के बीच, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका एशिया, अमेरिका, तो ये आपका इस मतलब ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका के बीच आपका फैला हुआ है प्रशांत महासागर। और आपका जो प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशियन भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, जो कि आपका अमेरिका हो गया और एशिया को, अमेरिका और एशिया को ये आपके पीछे विभाजित करता है प्रशांत महासागर। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी इसके बारे में बताया था मैंने पूरा डिटेल के साथ पिछले क्लासेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो एक स्थल जो है, स्थल रुद्ध समुद्र है, तो निम्नलिखित कौन सा एक जो है आपका स्थल रुद्ध समुद्र है, तो आपका तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, या आपका अरल सागर। अरल सागर नहीं, आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर, याद रखे। तो नहीं, ये आपका जो स्थल रुद्ध समुद्र है अरब सागर। अरब सागर की बात करूँ, ये आपके इसको भारतीय नाम से, किस नाम से जाना जाता है भारत में, तो इसको सिंधु सागर के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिंधु सागर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपका हिंद महासागर में आपका ये जो है हिंद महासागर का आपका हिस्सा है अरब सागर। और अगर इसकी ये आपका लगभग 38,62,000 ये आपका पूरा स्थान आपका घेर के बैठा हुआ, मतलब घिरा हुआ है, इतना यहाँ पे इतने क्षेत्र में आपका घिरा हुआ है। तो इसको याद रखिए, आपका अरब सागर है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे निचला स्थल जो बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो कैस्पियन सागर, मृत सागर, मेरियाना ट्रेंच, या लाल सागर। तो पृथ्वी का सबसे निचला भाग जो आपका जो लास्ट छोर है पृथ्वी का, जैसे देखेंगे तो आपका जो लास्ट छोर पृथ्वी के आपका अलग अलग लेयर होता है, तो इसमें पृथ्वी के सबसे निचला जो बिंदु, जो निचला जो पृथ्वी का जो हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये आपका मृत सागर बोला जाता है। इसको इंग्लिश में इसको डेड सी इसको बोला जाता है। तो इसका मृत सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जाएंगे जो पृथ्वी के नीचे 400 मीटर तक के अगर जाएंगे नीचे, ये आपका दुनिया का सबसे निचला बिंदु इसको कहा जाता है, जो कि खारे पानी की पूरा आप नीचे तक जाएंगे तो जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा आप खारे पानी को मिलेगी, जो कि खारे पानी के सबसे निचली झील आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा आप जितना नीचे अंदर जाएंगे तो उतना आपको जो पानी है खारा मिलते जाएगा, एक तरह का आपका झील नीचे बना हुआ, पूरा आपका खारा पानी है निचले आप जाएंगे तो। तो ये सभी तो सागर का जो पानी जितना भी होता है आपका खारा ही होता है, जितना अंदर जाएंगे उतना खारा आपको मिलते जाएगा। तो आप अगर देखेंगे 400 मीटर तक के नीचे से आपका घिरा हुआ है, तो इसको याद रखिए, ये आपका दुनिया का सबसे निचला बिंदु इसको कहा जाता है, जो कि आपके खारी पानी की सबसे निचले झील आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो यूरोपा, गैनीमेड, टाइटन या टेथिस, जिसको और बताया था, तो टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शनि जो ग्रह है, इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा आपका टाइटन है, याद रखिएगा, या आपका टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वह ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में मात्र 88 दिन लेता है। तो वह कौन सा ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो कौन सा ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर चक्कर जो है पूरा करने में 88 दिन लेता है? तो आपका बुध, शनि, बृहस्पति या आपका मंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको मार्स भी बोला जाता है। तो मंगल जो ग्रह है आपके, ये जो ग्रह है, जैसे आपका जो सूर्य के जैसे चारों ओर या आपका चक्कर लगाने में आपको मात्र या आपका 88 दिन का समय आपका लेता है, याद रखिए, जिसको लाल ग्रह बोला जाता है। लाल ग्रह इसको मंगल को ही ग्रह को बोला जाता है, जो कि अब हमारी जो इसरो है, अभी चंद्रमा में बहुत सारी खोज अभी बाकी है, और इसी तरह यहाँ पे शुक्र ग्रह के लिए और मंगल ग्रह के लिए यहाँ पे भी तैयारी कर रही है हमारी इसरो, जो वैज्ञानिक हमारे, तो इसकी जानकारी यहाँ पे बहुत सारे आपकी जो डाटा वगैरह कलेक्ट कर रही है, जो आपका लैंडर के द्वारा इसको इसरो को आपका डाटा यहाँ पे ट्रांसफर कर रही है। तो इसी तरह का जो मंगल, इसको मार्स बोला जाता है, इसको लाल ग्रह बोला जाता है। लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? तो ये आपका जो लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है, इसका जो आपका जो तल है पूरा लाल हुआ है, तो इसीलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। इसका जो तल है, निचला जो स्तर है, लाल है, इसीलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है। और या अगर देखेंगे तो जैसे हमारा पृथ्वी के लगभग यहाँ पे आपको वायुमंडल मिल जाएगा, पृथ्वी के सेम टू सेम यहाँ पे पानी वगैरह की खोज की गई है। तो यहाँ कहा जाता है कि मंगल में वैज्ञानिकों को कहना है कि यहाँ पे आपका जीवन यापन जो मनुष्य यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे जैसे जैसे आपका जो वैज्ञानिक खोज करते जाएंगे उसके हिसाब से, तो इसको याद रखिए। तो सौरमंडल में अगर देखेंगे, जो मंगल ग्रह है, सौरमंडल में आपके सूर्य से चौथे क्रम का है, याद रखिएगा। तो सौरमंडल में सूर्य से चौथे क्रम का आपका ग्रह है आपका मंगल ग्रह, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 88 दिन पूरा करता है सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश वर्ष ये आपको किसकी इकाई है? कई बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, प्रकाश तीव्रता की, समय की या द्रव्यमान की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो आपके दूरी की इकाई होती है, इसको याद रखिएगा। इसको LY से इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, और इसको LY से प्रदर्शित किया जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है आपका एक प्रकाश वर्ष आपका, ये आपका होता कितना है, मान कितना है? तो आपका 9.46 × यहाँ पे 10^15 ये आपका मीटर इसका मान है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो एक प्रकाश वर्ष कितने मान के बराबर होता है? तो 9.46 × आपका ऊपर 10^15 मीटर ये आपका इसका, ये आपका एक प्रकाश वर्ष का समय है, तो इसको याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये भी कि एग्जाम में क्वेश्चन है, जितना भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए सारे आपके इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से तैयार किया गया है। 49वें क्रम का जो समानांतर रेखा जो है, निम्नलिखित किन दो देशों को अलग करता है? 49वां जो समानांतर निम्नलिखित किन दो देशों को अलग करता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, अमेरिका और मैक्सिको को, भारत और म्यांमार को, या अमेरिका और कनाडा को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 49वीं जो समानता जो रेखा है यहाँ पर किन देशों को अलग करती है, ये आपका एक तो अमेरिका हो गया और आपका कनाडा, जो 49वीं क्रम के जो जो समानांतर रेखा है किन किन देशों को अलग करती है, तो एक तो अमेरिका और आपका कनाडा को अलग करती है, इसको याद रखिएगा। और जो 49वीं जो समानांतर रेखा है आपके बीच की, जो 49वीं जो क्रम के जो समानांतर रेखा है आपके बीच की रेखा है, जिसको अमेरिका और कनाडा के आपका देशों को अलग करती है, आपके 49वें क्रम का रेखा ना। इसके बाद हम देखते हैं, आपके कई बार एग्जाम में देखे होंगे, 24वें क्रम का जो समानांतर जो रेखा है आपके कौन कौन से देश को अलग करती है? तो आपका इंडिया और पाकिस्तान, 24 क्रम का जो है आपका कौन कौन से है? इंडिया और पाकिस्तान को, जो कि कच्छ के पास स्थित है। जो 24वें क्रम का जो समानांतर रेखा, जो कि आपका इंडिया और पाकिस्तान को कच्छ के पास ही आपका रेखा को विभाजित करती है, इसको याद रखिए। इसी तरह कई बार एग्जाम में 38 का पूछा गया है,
तो 38 का जो जो समानांतर रेखा किन देशों को अलग करती है, तो ये आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, कौन से नंबर का, 38 क्रम का, याद रखिए 38 आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये आपका करती है, तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे भारत को तो आपको याद करना है, पाकिस्तान और भारत कौन से जो रेखा है आपका अलग करते हैं, तो 24वां जो समानांतर जो रेखा जो इंडिया और पाकिस्तान कच्छ के पास यहाँ पर रेखा विभाजित करती है, और 38 का उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, और अब 49वीं समानांतर रेखा ये आपके आपका अमेरिका और कनाडा को यहाँ पे बीच की रेखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्यापार एवं वाणिज्य के लिए, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, कौन सा जो महासागर जिसमें आपका व्यापार के लिए जानी जाती है या वाणिज्य कार्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर, इसको कहा जाए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, इसमें व्यापार और जितने भी वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त महासागर इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्यस्ततम अटलांटिक महासागर है, जो कि यहाँ पे व्यापार के लिए बिजनेस के लिए उसको जानते हैं, एक देश से दूसरे देश यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इसी से सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है, जो मेडागास्कर है निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर में आपका स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो मेडागास्कर है क्या, तो मेडागास्कर एक आपका द्वीपीय देश है, जो कि आपका मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, द्वीप वाला देश है जो कि आपके हिंद महासागर में आपका स्थित है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है जी, या चंद्र ग्रहण आपका होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में आती है, या जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या बोला गया है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण आपका कब होता है, जब आपका जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य, ये आपका सूर्य हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया, तो जब जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जैसे आती है, अगर बीच में जैसे पृथ्वी आ गए हैं, तो पृथ्वी जो है आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तभी आपका चंद्र ग्रहण लगता है, इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गए होगा आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्वालामुखी का कप के आकार का मुंह कहलाता है, तो ज्वालामुखी कप के आकार का जो यहाँ पे देख सकते हैं कप का आकार ऐसा होता है, तो ज्वालामुखी का कप के आकार का मुंह क्या कहलाता है, क्रस्ट बोला जाता है, एपी सेंटर या मैग्मा कहलाता है, या आपका क्रेटर कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्वालामुखी जो कप के आकार का मुंह ये आपका क्या कहलाता है, तो इसको क्रेटर बोला जाता है, ये आपका जो क्रेटर होता क्या है, और ज्वालामुखी जो कप के आकार का मुंह ऐसा गोल क्यों होता है, इसका क्या खासियत है जिसको क्रेटर बोला जाता है, तो ये देखेंगे, तो ये खास करके ऐसे कैसे बनता है, ये आपका जो गोल आकार का जो मुँह जो कहलाता है कप के ज्वालामुखी, तो खास करके जो उल्का पिंड या तो आपके उल्का पिंड वगैरह गिरने से आपका ये ऐसा आकार होता है, या जैसे ज्वालामुखी वगैरह कटने या आपके ज्वालामुखी जैसे फटने से जो भूगर्भ में जो हमारे पृथ्वी है भूगर्भ में आपका विस्फोट से जो बनने वाले जो गोल आकार के जो विशाल गड्ढे का एक जो गोल बनता है उसे ही आपका क्रेटर बोला जाता है। कई बार देखे होंगे भूस्खलन वगैरह होता है या ज्वालामुखी फटते वगैरह रहते हैं तो ऐसे आपका देखने को मिलता है जिसी को ही आपका क्रेटर बोला जाता है। तो सभी आपका विस्फोट वगैरह से ज्वालामुखी फटने से उल्का पिंड वगैरह गिरने से इसका आकार ऐसा होता है, इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नीचे ऊपर तक वायुमंडलीय परतों का सही क्रम निम्नलिखित कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आपका एक्सोस्फियर, इसको करेक्ट आंसर है, सभी पता होगा। तो वायुमंडल के जो परतों का जो आपका जैसे जो लेयर होता है आपका सही हो जाएगा, पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, एक्सो मतलब ये आपका लास्ट का है, तो क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल, जैसे ऊपर जाएंगे तो आप मेसोस्फीयर आएगा, उसके ऊपर जाएंगे थर्मोस्फीयर और आपका लास्ट में सबसे ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फीयर आपके सबसे
लास्ट में हो जाएगा। तो हमारे जो क्षोभ मंडल में हम जितने भी वातावरणीय जो माहौल होता है आपके क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल में जितने भी आपका जहाज वगैरह सेटेलाइट सब आपके समताप मंडल में आपका होता है, तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समोच्च रेखा, समोच्च जो समान रेखा जो बराबर स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ऊंचाई, तापमान, वर्षा या आर्द्रता, तो ये आपका ऊंचाई कहलाती है। जो समोच्च रेखा जो समान रेखा बराबर स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको ऊंचाई बोला जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोरेन का निर्माण होता है, तो मोरेन का निर्माण कैसे होता है, हिमानी क्षेत्र के कारण, मानसून क्षेत्र के कारण, या आपका नदी डेल्टा के कारण, या आपका शुष्क क्षेत्र के कारण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मोरेन का निर्माण ये आपका कैसे होता है मोरेन का, तो ये आपके हिमानी क्षेत्र के कारण होता है। तो मोरेन जो शब्द है मोरेन का निर्माण कैसे होता है, आइए थोड़ा समझते हो, ये आपका जो मोरेन का निर्माण ये खास करके ग्लेशियर द्वारा, तो ग्लेशियर के द्वारा जो बहाकर जो हिमालय क्षेत्र में अगर देखेंगे तो आपका जो हिमालय क्षेत्र में तो ग्लेशियर द्वारा बहाकर जो लाए गए जो मलबे जो अवसाद पड़े रहते हैं मलबे को आपका मोरेन कहा जाता है। ग्लेशियर वगैरह फटने से या आपका जो बहाकर जो अवसाद पड़े रहते हैं मतलब जैसे ग्लेशियर वगैरह फटता है तो ग्लेशियर के द्वारा बहाकर जो लाए गए जो मलबे को ही आपका मोरेन कहलाता है, तो इसको याद रखिए। ये आपका खासकर हिमालय क्षेत्र हिमानी क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी निर्माण होता है, तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कटी हुई नदी के घुमावदार मोड़ में बनी झील क्या कहलाती है, कटी हुई नदी के घुमावदार जो मोड़ में बनी झील क्या कहलाती है, आक्सोबो झील, लैगून, प्लाया झील या आपका क्रेटर झील, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कटी हुई जैसे कटी हुई जो नदी के जो घुमावदार मोड़ में जैसे ऐसे मोड़ के जैसे आया तो घुमावदार मोड़ की बनी झील क्या कहलाती है, इसको आक्सबो झील बोला जाता है, आक्सबो झील या इसको बैल धनुष आकार के जो झील होता है जिसको ही आपका जो कटी हुई नदी के घुमावदार जो मोड़ से जो बनने वाली झील आपका आक्सबो झील या इसको बैल धनुष झील भी इसको बोला जाता है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी आपके जो जो जैसे जैसे बाढ़ वगैरह आते रहते हैं कट के जैसे अलग अलग आते हैं, तो ये सब ऐसे ही आपका जो झील जो बनती है इसको आक्सबो झील या आपको इसको बैल धनुष झील कहा जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, और यहाँ पे जितना भी कंटेंट तैयार किया है आपका सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जामों में, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।